रुकपुर से खबर है, गोरखनाथ मंदिर में आज खिचड़ी मेला। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। श्रद्धालुओं के लिए खोले गए गोरखनाथ मंदिर के कपाट। नेपाल से आए श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। गोरखपुर से गोरखनाथ मंदिर में आज खिचड़ी मेला। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। श्रद्धालुओं के लिए गोरखनाथ मंदिर के कपाट खोले गए हैं। नेपाल से आए श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। सुबह 4 बजे सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। चूंकि आज मेला है, खिचड़ी मेला है गोरखनाथ मंदिर में, और सबसे पहले सुबह 4 बजे सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। श्रद्धालुओं के लिए गोरखनाथ मंदिर के कपाट आज खोले गए हैं। नेपाल से आए श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाएंगे। तो पहले से विशेष तैयारियां की गई है इस मेले को लेकर। खुद सीएम योगी भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव सुबह की, जब सीएम योगी मंदिर में पहुंचे और यहां पर उन्होंने, ये देखिए तस्वीरें, गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। सीएम योगी ने सुबह 4 बजे पूजा अर्चना करते हुए, सीएम योगी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव गोरखपुर की। आज मकर संक्रांति है, जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में, अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है। तो गोरखपुर में शवतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। इस वक्त हमारे सहयोगी विनय सिंह गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे सुबह 4 बजे की सीएम योगी की, जब मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और साथ ही गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे थे। अभी की तस्वीर कैसी है मेले को लेकर, जरा दिखाइए वहां से। जी बताते हैं कि आस्था का जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है, और गोरखनाथ में खिचड़ी चढ़ाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो देसी नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ चलकर पहुंचे हैं। और यहाँ की जो परंपरा है, जो खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है, वो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, और बहुत पुरानी परंपरा, सदियों से चली आ रही परंपरा है। और नाथ परंपरा के अनुसार गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने पहले खिचड़ी चढ़ाया, जिसके बाद वह ब्रह्मलीन जो महाराज हैं, दिग्विजय नाथ महाराज, अवैध नाथ महाराज, और इनके यहाँ गए और वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद वहाँ खिचड़ी चढ़ाया, जिसके बाद वो श्रद्धालुओं के लिए फिर वो द्वार खोल दिए गए। और यहाँ जो है नेपाल से लेकर आसपास के और अन्य राज्यों से भी जो है यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं, और यहाँ जो है जन सैलाब एक तरह से उमड़ पड़ा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से कतारें लगी हैं। यहाँ मंदिर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पार्ट वाइज करके लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के किसी को असुविधा ना हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई धक्का मुक्की ना हो, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर काफी अलर्ट मोड में है। और यहाँ कुछ दर्शक हैं, उनसे भी, यहाँ जो श्रद्धालु पहुंचे उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शाश्वत पांडे। कहाँ से आए शाश्वत जी? आप जटाशंकर धर्मशाला से। धर्मशाला से आए हैं, कब लाइन लगे थे आप? लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। आप क्या परंपरा है, कुछ पता है यहाँ गोरखनाथ मंदिर में जो खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा क्या है? जी वैसे अक्सर तो काफी लंबी लाइन लगती है, लेकिन इस बार जो है काफी छोटी लाइन लगी। ये श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और खिचड़ी चढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? वासुदेव। कहाँ से आए हैं? नहीं, गोरखपुर। गोरखपुर से हैं। ये बताइए क्या परंपरा है यहाँ खिचड़ी चढ़ाने की? ये तो हजारों साल पुरानी परंपरा है। कब, कितनी बार इसके पहले आ चुके हैं आप? हम तो बचपन से आ रहे हैं। बचपन से ये आ रहे हैं यहाँ, जो लोग पहुँचे हुए हैं काफी पहले से लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी नाथ मिश्र। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से ही हैं। गोरखपुर से। ये बताइए कब से यहाँ खिचड़ी चढ़ा रहे हैं आप? ये 90 के दशक से तो हम लगातार आ रहे हैं।
लगातार आप खिचड़ी के दिन पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। तो ठंड भी है, गलन भी है, उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं वो जो है ठंड में भी जो है कतारबद्ध होकर यहाँ पहुंचे हैं और अपने हाथों में जो आप इनके हाथों में देख सकते हैं खिचड़ी लिए हुए हैं, वो अभी गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे और वहाँ जो है खिचड़ी चढ़ाएंगे, उनका दर्शन पूजन करेंगे। तो ये सुबह से ही जो है आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और सुबह से ही जो है कतारबद्ध होकर जो है यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं, खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल विनय, और काफी भीड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है और जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर से जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की तरफ से, भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को, इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? जी बता दें कि पुलिस फोर्स भी लगाई गई है और उसके साथ ही सिविल डिफेंस के भी लोग लगाए गए हैं, पुलिस फोर्स लगी हुई है, उसके साथ भी एनसीसी के जो बच्चे हैं उनकी भी तैनाती की गई है और लगातार किसी भी चीज़ की किसी को असुविधा ना हो उसको लेकर पूरे अलर्ट मोड में है मंदिर प्रशासन और भीड़ को कहीं भी जो है एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। भीड़ को हमेशा जो है इधर उधर तितर बितर किया जा रहा है और भीड़ कहीं एकत्रित ना हो, महिलाओं के लिए अलग लाइन व्यवस्था की गई है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। आप देख सकती हैं कि ये महिलाओं की लाइन है, ये महिलाओं की लाइन है और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए यहाँ महिला कांस्टेबलों की तैनाती की गई है और सबको आराम से जाने की हिदायत दी जा रही है। देख रही हैं कि ये जन सैलाब उभर पड़ा है, ये गोरखनाथ मंदिर में जो है एक माह तक चलने वाला जो खिचड़ी का मेला है उसके लिए जन सैलाब उभर पड़ा है। ये क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? विकास नगर कॉलोनी। विकास नगर से आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हर साल यहाँ पहुँचती हैं, यहाँ जो श्रद्धालु हैं आप देख सकती हैं कि इनको कई पार्ट में लाके भेजा जाए, किसी से किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो उसको लेकर लगातार जो है यहाँ जो प्रशासन है, महिला कांस्टेबल है, जो महिला SSI है, सब पार्ट वाइज जो है लोगों को बुला रहे हैं क्योंकि किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो उसका ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सारी यहाँ जो फोर्स की तैनाती की गई है कई लेयर में। जैसे कल हमने ADG से जब बात की कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर राज्य की सीमा और जिले की सीमा के साथ ही मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चार चरणों में की गई है कि कोई भी अनहोनी से बचा जा सके। बिल्कुल विनय, कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करने की जरा कोशिश कीजिए। हाँ जी, हम चलते हैं श्रद्धालुओं के बीच में, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई है? गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? शीला सिंह। अच्छा, कब से आ रही है यहाँ मंदिर में? कब से आ रही है? इतने साल से आ रही है खिचड़ी चढ़ाने? पाँच साल से। क्या नाम है आप, कहाँ से आई हैं? संगीता धवल। कहाँ से आई हैं? नरानापुर से, नेपाल से। नेपाल से आई हैं आप? कब यहाँ नेपाल से कब चली थी? पहली बार आई है नेपाल से। तो नेपाल से भी यहाँ भक्त पहुँचे हैं और भी भक्तों के पास चलेंगे और भी लोगों के पास चलेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। कहाँ से आई है? मोहरीपुर से, गोरखपुर से। तो यहाँ नेपाल से भी काफी श्रद्धालु पहुँचे हैं। परंपरा है कि जब गोरखनाथ महाराज जब यहाँ पहुँचे थे तो नेपाल के ही राजा ने पहली बार इन्हें खिचड़ी चढ़ाई थी, उसी परंपरा के अंतर्गत नेपाल से भी ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और खिचड़ी का जो पर्व है वो वहाँ मनाने के लिए वहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। बिल्कुल, और विनय जरा देखिए कि ठंड भी बहुत ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस पल का गवाह बनने के लिए। और जैसा कि कुछ लोगों से आप बात भी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से हर साल यहाँ पर आते हैं, ठंड इस बार भी इतनी ही ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्साह है वो बराबर बना हुआ है इन सभी श्रद्धालुओं का। जी बता दें कि ठंड हवाएं चल रही हैं, उसके बीच भी छोटे छोटे बच्चों के साथ जो महिलाएं हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुंची हैं। ये जो आस्था का जो जनसैलाब है आप देख सकती है पीछे कितनी लंबी कतारें लगी हैं और ये कतारें पूरी रोड तक ऐसे ही कतारें लगी हुई हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ रात्रि से लाइन में लग जाते हैं और ये दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं और ये देखिए ये धीरे धीरे करके इनको छोड़ा जाता है, जब वहां से निकल जाते हैं दर्शन करके लोग तो धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जो जनसैलाब है ये रात्रि से ही यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं, रात्रि से